अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफ्यूग्राफी। मेरा नाम फसीर रहमान है और आज हमारी फोटोशॉप की तीसरी क्लास है जो कि वो भी सिलेक्शन की है। सिलेक्शन की तीसरी नहीं है, सिलेक्शन की हमारी दूसरी क्लास है और आज की जो सिलेक्शन है हमारी क्लास ऑफ टूल्स है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो ये है हमारे वो टूल्स, लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल एंड मैग्नेटिक लासो टूल। सो लासो टूल का एक काम है, जो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो मार्की टूल्स थे, रेक्टेंगुलर मार्की थी, एलिप्टिकल मार्की, ये सब देखा था। ये सब हमने जब देखा था उसके प्रॉपर्टीज़ भी हमने जो देखी थी सेम एज उसी तरह इस लासो टूल्स में भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं लासो टूल। अब लासो टूल का क्या काम है? लासो टूल वो टूल है जो जिस तरह हम बचपन में फ्री हैंड ड्रा करते थे ना, पेंसिल से कुछ भी लकीरें मार देते थे, सेम है इसका भी वही काम है। हम इससे भी कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैंने एक फालतू सी सिलेक्शन बना ली है, अब बात यह है कि इसका काम क्या है। इसका काम यही है कि आप अपने हाथ से कुछ भी सिलेक्शन बना सकते हैं। लाइक आपने कोई इर्द गिर्द चीज़ पड़ी है, वक्तन ले लेते हैं, अच्छा जी अब मुझे चाहिए इसके इर्द गिर्द सिलेक्शन चाहिए। अब मैं फालतू सी इसके इर्द गिर्द सिलेक्शन बना लूँगा। सो मैंने बना ली, अब मैं इसके अंदर रह के कुछ भी कर सकता हूँ। तो हम इसके ज़रिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन इतना हाथ से यूज़ होता नहीं है, लेकिन टूल है, समझाना है, ज़रूरी है। तो जिस तरह मैंने बताया कि ये फ्री हैंड ड्रा कुछ भी कर सकते हैं, तो वही चीज़ें सब जिस तरह हमने मार्की टूल में देखा था, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बार में इसको ऐड है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट है, इंटरसेक्ट है, ये सब इसमें भी है। तो वही सारी चीज़ें अगर हमने ऐड करना है तो शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो हम ऐड कर लेंगे, अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, आल्ट प्रेस रखेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वहाँ से, और अगर हमने इंटरसेक्ट करना है मींस के उसका कॉमन एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस आल्ट दोनों प्रेस कर लेंगे तो हमारे ये कॉमन एरियाज आ जाएंगे। सो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी है। सो ऊपर आप देख रहे हैं फैदर, ये वही चीज़ है, एंटी एलियास फैदर। फैदर वही है जो मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था, एंटी एलियास भी मैंने आपको बताया था, एंड सेलेक्ट एंड मास्क ये मैंने नहीं बताया, ये मैं आपको अगली आने वाली क्लासेस में ज़रूर बताऊंगा कि मैं क्लास एक अलहदा सी रखूँगा। सो आगे हमारे पास पॉलीगॉन लासो टूल है। पॉलीगॉन लासो टूल का क्या काम है? पॉलीगॉन लासो टूल सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स की सिलेक्शन बनाता है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स। लेकिन अगर आप कर्व करना चाहें तो ये कर्व नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये यहाँ यार ये अब ये टूल है मैग्नेटिक जो स्ट्रेट है, अब इसका फ़ायदा क्या है? अब इसका फ़ायदा ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चीज़ों को अपनी सिलेक्शन में ले सकते हैं। लाइक इसकी कुछ चीज़ें बता दूँ, फिर मैं आपको लेकर भी बताता हूँ किस तरह हमने लेनी है, किस तरह हम इमेज को, स्ट्रेट इमेजेस को हम इसके ज़रिए सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसका कुछ काम है वो बता दूँ। अब जिस तरह मैंने ये क्लिक किया है माउस से, अब जो ही मैं आगे क्लिक करूँगा, आगे नेक्स्ट, अब मैं सोचता हूँ यार यहाँ पे मेरी गलती हो गई, मुझे यहाँ पे नहीं था लगाना, मुझे थोड़ा सा पीछे लगाना था। तो अब मैं क्या करूँगा, बिल्कुल सिंपल है, आप जस्ट बैक स्पेस प्रेस करते हैं, बैक स्पेस प्रेस करेंगे आगे पीछे आ जाएगा। अब जिस तरह मुझे अब इधर बनाना था मैंने बना लिया, अब इधर बनाना था, इधर बनाना था, अब इधर बना लिया मैंने, लेकिन फिर मुझे एकदम जहन में आया नहीं यार ये गलत हो गया, मुझे इधर से नहीं, मुझे पीछे यहाँ से बनाना था, यहाँ से कुछ कर्व करना था, कर्व नहीं मीन कुछ पीछे जाना था। तो अब मैं फिर दोबारा बैक स्पेस करूँगा। आप जो ही बैक स्पेस करते थे जहाँ जहाँ आपने क्लिक किया था उधर उधर से वो डिलीट होता जाएगा। अब मुझे यहाँ में दोबारा मैं ईजीली बना सकता हूँ। तो बास टाइम आप बना रहे होते हैं तो ये यार कुछ और करना होता है, अब आपने किसी और चीज़ को क्लिक करने की कोशिश करनी है, यार अब ये पीछे ही पड़ गया है, अब ये जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या करेंगे, सिंपल आपके कीबोर्ड में
लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर एस्केप का बटन है, वो प्रेस कर देंगे तो ये आपकी जान इससे छूट जाएगी इजीली। अच्छा, मैंने एक इमेज लेके रखी हुई है, ये बिल्डिंग है, स्ट्रेट है बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है, काय है ना इसका, ये मुझे रेज करना है। अब मैं क्या करूँगा, वही पॉलीगॉन लासो टूल लिया मैंने, तो अब स्ट्रेट लाइंस हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है बिल्डिंग, तो हम इसके ज़रिए इजीली, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि अब ये बात ये है कि मैं अपना कैनवा को अपने हैंड के ज़रिए इजीली मूव क्यों कर रहा हूँ साथ साथ काम के ज़रिए, काम मैं साथ साथ सिलेक्शन बना रहा हूँ, साथ साथ मैं मूव कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। सो फार्मूला ये है इजी सा, वो ये है कि आप सिंपल स्पेस प्रेस रखें अपने कीबोर्ड का, साथ आप ड्रैग करते जाएँ माउस के ज़रिए, आगे ले जाएँ, पीछे ले जाएँ, दाएँ बाएँ जहाँ भी, तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो टूल है, जो काम है, वो हिलेगा नहीं। अच्छा, मैं अब सिलेक्शन बना रहा था, पहली क्लास में बताया था कि सिलेक्शन, अगर आप कुछ भी, बल्कि सिलेक्शन नहीं, कुछ भी चीज़ बाहर लेके जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं बाहर ले गया, लेकिन मैंने सिर्फ सिलेक्शन बाहर लेकर गया था। अब आप खुद देख रहे होंगे कि मैंने जो सिलेक्शन बाहर लेकर गया था वो ख़त्म हो चुकी है, अब ऊपर वाला हिस्सा जी सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा सिलेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे ये करना है कि ये जो मैंने सिलेक्शन बना ली है, अब मुझे ये अलहदा लेयर में चाहिए। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये लेयर्स हैं, लेयर्स की क्लास मैं अलहदा रखूँगा, लेकिन सिलेक्शन के बाद रखूँगा। अब मुझे ये चीज़ जो मैंने सिलेक्ट, इस बिल्डिंग की सिलेक्शन बना लिया, मुझे ये अलहदा लेयर में चाहिए। अब मुझे वो किस तरह चाहिए, मैं किस तरह लाऊँगा, बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करें, अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें, डी सिलेक्ट, सिलेक्ट इनवर्स बता चुका हूँ, फेदर सिलेक्ट इनवर्स, इस सब को छोड़ के नीचे आ जाए, लेयर वी आई ए कॉपी। अब जूँ ही प्रेस करेंगे तो आपके पास ये अलहदा लेयर में आ चुका है, मीन्स के जो आपने सिलेक्शन बनाई थी। अब मैं आपको ये, अच्छा एक और चीज़, अब ये नीचे है, ये मैं किस तरह लिया है यार, ये मैं बाद में बताऊंगा, सॉरी इसके लिए अलग-अलग मैंने आपको बताया क्लास रखी है। तो मुझे अभी ये लेनी है, इसके नीचे ब्लैक कलर फिल करना है, ठीक है, मैंने कर दिया, मैंने ब्लैक कलर फोरग्राउंड कलर फिल किया है आर्ट प्लस बैक स्पेस से। अब क्या हुआ, वो मेरी अलहदा लेयर में थी, तो वो जो मैंने सिलेक्शन बनाई थी बिल्डिंग की, वो अलहदा लेयर में मैंने वी आई कॉपी से कॉपी किया, अलहदा लेयर में आ चुका है, और नीचे मैंने एक कलर फिल कर दिया। तो अब सिंपली कुछ भी पीछे कलर डाल सकते हैं इजीली। सो एक और तरीका है, मैं अंडू कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरी ये सिलेक्शन बनी है। अब मैंने आपको मेन्यूज़ के अंदर से जाके बताया, अब इसको डायरेक्ट किस तरह करेंगे, इसका भी एक शॉर्टकट है, आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो आपके पास वही कॉपी सेम एज जो सिलेक्शन बनी होगी वो आ जाएगी। तो इसका एक और भी फ़ायदा ये है कि जिस लेयर में आप रहकर कॉपी करना चाहें ना, उसकी सेम एज वही कॉपी, तो आप कंट्रोल जे प्रेस करते जाएं तो वो आपके पास कॉपी आती जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने कॉपी की थी लेयर वन कॉपी 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो इससे घबराना नहीं यार, लेट की क्लास मैंने बताया, मैं ज़रूर कराऊंगा, आप बेफिक्र रहें। सो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने अलहदा लेयर ली, एक ब्लैंक लेयर ली, उसके बाद उसका कलर फिल कर दिया। मैं चाहता था, मैं इसके नीचे कोई और कलर करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सिलेक्शन ले ली, करना नहीं चाहता था ऑब्वियसली यार, वो अच्छा लग रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना था, आपको समझाने के लिए बताना था कि स्ट्रेट सिलेक्शन हम किस तरह कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पॉलीगॉन लासो टूल समझ आ चुका होगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक लासो टूल, इसके लिए मैंने एक इमेज लेकर रखी हुई है, ये हमारे पास एक बोतल है। पहले मैं आपको ये बता दूं मैग्नेटिक लासो टूल काम किस तरह करता है तो लासो टूल है, जिस तरह लासो टूल फ्री हैंड आप ड्रा करते थे, इसको भी उसी तरह करेंगे, लेकिन ये है मैग्नेट,
तो ये जो चीज़ आप सिलेक्शन बनाना चाहते होंगे उसके ऊपर फेरेंगे तो वो उसके ऊपर फेरेगा ना। जैसे ये अब मैं बना के आपको दिखाता हूँ, मैं जो ही ड्रा किया शुरू कर दिया मैंने, अब मैं उसके ऊपर फेरता जाऊँगा थोड़ा सा यार बाहर भी जाऊँगा ना तो वो खींच लेगा खुद ही। सो मैं ये थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ काम। तो ये हमारी सिलेक्शन बन चुकी है, लेकिन यार इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी बड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। वो ये हैं कि यहाँ से मैं जो ही ड्रा कर रहा था कुछ बाहर जा रहा था, कुछ यार वो एरिया कुछ सिमिलर कलर्स हैं वो प्रोडक्ट के लिहाज से, इस वजह से वो बाहर सिलेक्ट करता गया। अब जिस तरह ये वाइट है, ये शेड वाइट का पड़ रहा है, तो इस वजह से ये इसने ये भी सिलेक्ट कर लिया साथ बाहर से थोड़ा सा। तो मैं चूँकि उसके अंदर रह कर रहा था इसलिए उसने पकड़ लिया काफ़ी हद तक। लेकिन अब इस जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ बाहर है कुछ अंदर है, अब इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे? अब हम इसको लासो टूल के ज़रिए करें, मैग्नेटिक लासो टूल के ज़रिए तो कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा इश्यू दे देगा। अब बताया आपको कि सिलेक्शन किसी भी सिलेक्शन के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा अब हमारी ये सिलेक्शन है, मुझे इसके ये थोड़ा सा कर्व चाहिए, ये बाहर है इस वजह से मैं क्या करूँगा? अब हम इस बटन्स के ज़रिए ये काम करेंगे, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए हैं, और अगर किसी ने मेरी शॉर्टकट्स की क्लास नहीं देखी जो कि मेरी दूसरी क्लास थी, तो ऊपर लिंक आया हुआ है उसको क्लिक करें और वो देख लें। अच्छा अब मुझे इसको क्या करना है, आर्ट करना है, यानी कि मुझे इस एरिया के अंदर लेकर आना है। मैं इसको आर्ट कर दूंगा, आर्ट किस तरह करूँगा? अब मुझे आर्ट प्रेस रखा है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, मैं आर्ट कर रहा हूँ इसको, मैंने आर्ट किया उसके अंदर आ चुका है। सो क्वाइट बहुत इजी है यार ये, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। आप जो ही प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये समझ में आता जाएगा। सो मैं ये फिर से कर रहा हूँ वही काम, ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक हो गया। अब इस बार क्या है, इस बार हमारा अंदर है बाहर नहीं है। अब बाहर होता हमने अंदर लेकर आना था, तो मींस कि हमने सब्ट्रैक्ट करना था, मतलब ये है कि मुझे इसको ऐड करना है। तो ऐड किस तरह करेंगे, शिफ्ट प्रेस रखेंगे, बाहर से सिलेक्शन बनाएंगे, अंदर से आप बेशक फालतू सी कोई बना लें। तो मुझे ऐड करना था, मैंने कर दिया। बेसिकली ये जो टूल्स हैं ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। अब इतने हाईफाई टूल्स आ चुके हैं जिसके ज़रिए हम कर सकते हैं इजीली, तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती अब। लेकिन टूल है, मुझे आपको समझाना तो है ना। काफ़ी हद तक हमारा जो प्रोडक्ट था वो सिलेक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम कंट्रोल जे करेंगे, और अगर हमने नीचे कोई बैकग्राउंड देना हो, मैं इस वक्त वाइट दे रहा हूँ, सो मैंने दे दिया। देखिए यार सब कुछ ठीक हो गया लेकिन नीचे से बहुत बुरा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा ना फिर से सिलेक्शन बनाऊँगा और इसकी जो थोड़ी बहुत कमी बेशी है वो दूर कर देंगे, डिलीट कर दिया। अब सिलेक्शन बना के चीज़ डिलीट भी कर सकते हैं। सो अभी तक के लिए यार इतना बहुत है, हमें ज़्यादा ब्रीकी की तरफ नहीं जाना। सो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ें बताई हैं। सो आई होप आपको ये टूल भी समझ आ गया होगा, लेकिन यार ये टूल इतने यूज़ नहीं होते हैं। सिर्फ पॉलीगन लासो टूल हाँ यूज़ होता है, काफ़ी जगह यूज़ होता है, तब जब हमने कोई स्ट्रेट चीज़ें कट करनी हो, उसके बैकग्राउंड कट करना हो, या उसको सिलेक्शन के अंदर लेकर आना हो, या उसकी अलग लेयर लेनी हो, तब ये पॉलीगन लासो टूल यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन मैग्नेटिक लासो टूल नहीं यार, बिल्कुल नहीं। एंड लासो टूल वो कई जगह हमें काम आता है। सो ये टूल्स थे, फोटोशॉप ने दिए हुए हैं टूल्स, तो समझाना था हमारी क्लास के अंदर, इसलिए मैंने क्लास के अंदर ये रखे। सो ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।